एवरीवन, मैं हूँ इशिका एंड वेलकम टू माय हर्षिका चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी विंटर सीजन आने वाला है, तो मैंने जो है कुछ विंटर के लिए जो है कपड़े अभी शॉपिंग किए हैं, जिसमें जो है कुछ मेंस है, कुछ वुमेन्स है और कुछ किड्स के कलेक्शन है। तो मैं सारे आपको जो है दिखाऊंगी और फिर ये भी बताऊंगी साथ में कि मैंने कहाँ से लिया है ये सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है आपको आश्मी के दिखाऊंगी वो ड्रेसेस जो मैंने उसके लिए लिए हैं अभी। सो गाइस, ये है एक जैकेट जो मैंने अभी आश्मी के लिए लिया है। और एक्चुअली क्या है ना, मैं गई थी जब शॉपिंग के लिए, तो सबसे पहले मैं गई थी पैंटालून्स हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे वहाँ इसके एथनिक वियर लेने होते हैं या पार्टी वियर या स्वेटर मुझे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। बट इस बार क्या हुआ कि इसके जैकेट लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे अभी कलेक्शन एक्चुअली आया ही नहीं है विंटर का। मैं 2-3 मॉल में गई थी बट मुझे कहीं भी नहीं मिला। और लास्टली क्या हुआ कि मुझे जो है ये आलिन सोली का लेना पड़ा, पैंटालून्स में मुझे नहीं मिला। और मुझे जो है फ्रंट जिपर चाहिए था, जो मैं लॉन्ग टाइम से इसके लिए देख रही थी बट नहीं मिला। तो फाइनली मुझे जो है ये हुड में इस तरह का मुझे लेना पड़ा। बट गाइस, ये बहुत ही ज्यादा वार्म है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, और हैंड फील इसका जो है इतना ज्यादा सॉफ्ट है, मैं बता नहीं सकती। और लुक वाइज भी ये अच्छा है और बहुत ही ज्यादा वार्म है। और एक्सट्रीम ठंड में भी आप इसे पहना सकते हो, ऐसा भी नहीं पहना सकते हो, सिंपल एक अंदर अगर आप इसके इनर डाल देते हो तो आप इसे इजीली पहना सकते हो। और स्टार्टिंग की जो सर्दी होती है और लास्ट की जो सर्दी होती है उसके लिए बेस्ट है एकदम। स्वेटर जो है मुझे लुक वाइज और एज पर क्वालिटी मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और दूसरा ये है जेगिंस, डेनिम जेगिंस जो मैंने विंटर के हिसाब से लिया है अभी, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके बेस्ट में इलास्टिक दिया हुआ है, सॉफ्ट है इसका, हैंडफील बहुत सॉफ्ट है और कलर भी अच्छा है इसका। तो ये है एक पैंट जो मैंने उसके लिए लिया है। जो है मैं और जेगिंस दिखाती हूँ जो मैंने आश्रय के लिए लिया है फॉर विंटर। तो ये है गाइस एक जेगिंस जो मैंने लिया है वहां से, पैंटालून से लिया है। जेगिंस जो है मुझे वहां 2-3 अच्छे लगे तो मैंने ले लिए फॉर रेगुलर यूज के लिए विंटर के लिए। और वन पीस ड्रेस या फिर स्कर्ट के साथ भी अगर मुझे यूज करना हो तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा है ये। बट ऑनेस्टली गाइस, मुझे टी शर्ट फिर से पसंद नहीं आया वहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि उसका कलेक्शन भी बहुत कम आया है अभी वहाँ। और मैंने सिर्फ 2 टी शर्ट है जो उसके लिए अभी लिए हैं। उसके जो पुराने टी शर्ट है वो एक छोटी हो गई है इसलिए, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। पर उससे पहले जो है आपको सारे इसके जेगिंस दिखाती हूँ। तो ये है एक जो मैंने लिया है, इस तरह से कुछ प्रिंट में है और हार्ट बना हुआ है बीच बीच में, और ये मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा तो मैंने ये ले लिया। और ये डेली यूज के लिए भी अच्छा है, या फिर आपको वन पीस ड्रेस या स्कर्ट के साथ भी इसको पेयर कर दो कि ये सर्दी में बहुत अच्छा रहेगा। और इसी का दूसरा है जो मैंने एक लिया है, एक ये है जो पोलका डॉट में मैंने लिया है, ये भी अगेन मैंने पैंटालून से लिया है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और सबका जो है कपड़ा बहुत ही अच्छा है। और पैंटालून्स का जो लेगिंग्स है, मैंने उसमें एक चीज़ देखा है कि वो जल्दी खराब नहीं होता है। जनरली क्या होता है ना कि इलास्टिक जो है बच्चों का यूज़ करते हैं तो बहुत ढीला हो जाता है और फिर वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है यूज़ करने में। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जेगिंस जो है पैंटालून्स या फर्स्ट क्राई से लूँ। और अगेन मैंने ये जो है पोलका डॉट जेगिंस मैंने पैंटालून से लिया है और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत कम्फर्टेबल है। अगेन एक जेगिंस है पोलका डॉट में, इसमें स्मॉल स्मॉल पोलका डॉट बना हुआ है और 2-3 कलर में इसमें जो है सिंगल बना हुआ था और इसमें 2-3 कलर से, तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा। और मैं दिखाती हूँ आपको टी शर्ट जो मैंने पैंटालून से लिया है। तो ये है गाइस एक टी शर्ट जो अगेन मैंने पैंटालून से लिया है, और है तो बहुत सिंपल पर इसकी वजह से मुझे बहुत ये क्यूट लगा। उसमें जो गर्ल बनी हुई है मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। नहीं तो सच बताओ तो उसके पास ब्लू बहुत ही ज़्यादा टी शर्ट हो गया है, बट फिर से मुझे ब्लू भी पसंद आया इसलिए मैंने ये ले लिया है। और इसकी जो साइज है मैंने उसका 3-4 लिया है, क्योंकि टी शर्ट में क्या होता है ना, नीचे से एकदम से शॉर्ट हो जाता है, टी शर्ट थोड़ा मैनेज हो जाता है ढीला ढाला, इसलिए मैंने इसमें 3-4 इयर्स कर लिया है। इसको लेंथ अच्छे से कवर हो जाता है, थोड़ा सा बॉडी में ढीला ढाला रहता है तो वो बैगी लुक अच्छा लगता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसलिए। बट मैं पैंट जो है मतलब कोशिश करती हूँ कि एक साइज छोटी लूँ, नहीं तो फिर वेस्ट में उसको जो है पहनाने बहुत ही ढीला हो जाता है।
और फिर मुझे बाद में उसको एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ बॉक्स प्लेट टाइप से बना के उसको टाइट करना पड़ता है। तो ये है एक और टी शर्ट जो मैंने पैंटालून से लिया है गाइस। और जैसा कि मैंने बताया बहुत अच्छे कलेक्शन नहीं थे, पर ये दो मुझे अच्छे लगे थोड़े, तो मैंने ले लिया है। और इसको मैंने पहना के देखा तो वो बहुत ही क्यूट लग रही थी इसमें, और इस तरह से कुछ स्ट्राइप बना है इसमें दो तीन कलर में। और अब मैं दिखाती हूँ वो जैकेट जो मैंने खुद के लिए लिया है। तो ये है गाइस एक जैकेट जो मैंने अभी मिंत्रा से मंगाया है, और ये भी मैं बताऊँ तो सिंपल में ये बहुत ही स्मार्ट जैकेट है, और इस पे जो रेड ये डोरी दिया हुआ ये बहुत ही क्यूट लगता है इसके साथ। और ये भी हुड में है, ये जो है मैंने मिंत्रा से मंगाया है, और ये मैक्स का है, और ये न्यू सीजन का था गाइस इसलिए मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। ये लुक वाइज बहुत ही स्मार्ट लगा तो मैंने ये ले लिया है। और इसे थोड़ी डिज़ाइन में डिटेल में दिखाती हूँ आपको। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जैसे मैंने बताया था आशवी के जैकेट में अंदर से इस तरह से दिया हुआ था, जो बहुत वार्म लेयर दिया हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा वार्म है। और ये भी मैंने जो है स्टार्टिंग के विंटर और एंड के विंटर के लिए लिया है, जिसमें आप सिंपली एक मतलब जैकेट पहन के बाहर जा सकते हो। और इसमें जो है हुड बना हुआ है इस तरह से, और इसमें जो डोरी है ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा रेड कलर का। और इसके ऊपर जो है टोन टू टोन जो है एक टेप लगी हुई है इस तरह से, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा ओवरऑल। और रेट वाइज भी मुझे अच्छा लगा, इतना कॉस्टली नहीं लगा, तो मुझे ये 999 का पड़ा है। और मुझे ये ओवरऑल सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगा। ये है गाइस शर्ट जो मैंने अभी अपने हस्बैंड के लिए लिया है फॉर विंटर। और विंटर में क्या होता है ना कि ऑफिस जाने के लिए बहुत सारे फुल स्लीव शर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और शॉर्ट स्लीव जो है शर्ट सारे हटाने पड़ते हैं, तो मैं मुफ्ती का लिया है। और ये इसका जो कलर और डिज़ाइन है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्रिंट जो है, और गर्मी में भी अगर फोल्ड करके पहने तो ये बहुत ही कम्फर्टेबल रहेगा और लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें इस तरह से फ्लोरल बना हुआ है प्रिंट। और इसका जो क्वालिटी है वो मैं बताती हूँ आपको। ये तो ये 100% कॉटन ट्विल फैब्रिक, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गया एक, और मैं एक और शर्ट दिखाती हूँ आपको लास्ट। और ये है एक और शर्ट जो मैंने मुफ्ती से लिया है, और इसका भी कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बेस कलर है, और इस पर ब्लैक ब्लैक सा ऐसा कुछ डिज़ाइन बना हुआ है, छोटा छोटा सा बूटा टाइप का, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगा। इसका जो फैब्रिक है वो भी सेम है, 100% कॉटन ट्वीट फैब्रिक है, और दोनों शर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे दोनों बहुत अच्छे लगी है, मैंने दोनों जो है ले लिया है। गाइस हमारा आज का विंटर कलेक्शन, और आपको जो है मेरा विंटर कलेक्शन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।